नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसान दिवस के उपलक्ष्य में 23 से 29 दिसंबर तक कृषि जागरण द्वारा जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कृषि मेले का आयोजन किया गया और साथ ही टेक्नोकल्चर इन एग्रीकल्चर इस विषय पर भी वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां कई प्रगतिशील किसान, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। आज हमारा शुरुआत है उस प्रोग्राम का, टेकिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट इनटू द फील्ड, बिकॉज हमें मालूम है टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज चेंजिंग द वर्ल्ड। सो कितनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हम हमारा किसान को पास पहुँचा सकते, वो इतनी खुशी हो गई, वो उतनी आगे बढ़ सकते। सो इसलिए आज का हम टॉपिक ये लिया है, आगे 7 दिन में 6 दिन और अलग अलग टॉपिक लेके कृषि जागरण रोज एक प्रोग्राम 11 बजे के कर रहे। सो कृषि जागरण क्या कर रहे हैं आप ये देखना। प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा 11 से 13 दिसंबर तक पंजाब के लुधियाना जिले के कैटल फेयर ग्राउंड जगराऊ में 15वीं PDFA इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया, जहां गौ गौ कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग हेड हरकिरण सिंह ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये एग्रीटेक का स्टार्टअप है, हम इसमें किसान भाइयों को अच्छे और वाजिब दामों पे पशु प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ एक डेयरी फार्म को सेटअप करने के लिए एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एंड सर्विसेज का मतलब होता है जैसे कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, आपका शेड मैनेजमेंट हो गया, आपको पशु प्रोवाइड करने का काम हो गया, पशु ट्रांसपोर्ट करने का काम हो गया। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम करते हैं वो है दूध उत्पादन के ऊपर गारंटी। ये एक यूनिक काम है, यूनिक चीज़ है जो पूरे इंडिया में और कोई नहीं कर रहा, जो खाली टीम गौ गौ कर रही है। वो ये है कि जैसे हमारे पास कोई पशु है, कोई किसान भाई आया हमारे पास पशु लेने के लिए, उसको हमने बताया कि हम ये पशु हमारे यहाँ पे 20 लीटर दूध देता है। आप नॉर्मल तरीके में देखेंगे तो आपके पास जाने के बाद पशु की जो यील्ड है वो कम हो जाती है। हम क्या करते हैं कि अगर हमने बताया कि वो 20 लीटर दूध दे रहा है तो वो 20 लीटर दूध आपके पास ही देगा। इसके लिए हम 3 महीने का पैरावेटनरी सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर आदमी को देते हैं जो आपसे पशु खरीदता है। पैरावेटनरी सपोर्ट में 1 बारी 2 बारी 3 बारी आप पैरावेटनरी आपके फार्म पे विजिट करेगा, आपकी फील्ड मैनेजमेंट में काम करेगा, साइलेंस के ऊपर काम करेगा, फॉडर के ऊपर काम करेगा, ताकि पशु की यील्ड जो है, जो दूध उत्पादन है वो एकदम बढ़िया बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12 बजे पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि मंत्रालय में इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आज़ादी के बाद ये पहली स्कीम है जिसके तहत पहली बार किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे दिए जा रहे हैं। इसके तहत देश के करीब 11 करोड़ किसानों को 1.61 लाख करोड़ की रकम जारी की जा चुकी है। भारत ने मसाला उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई है। देश में मसाला उत्पादन साल 2014 और 2015 के 67.64 लाख टन से बढ़कर साल 2020 से 2021 में रिकॉर्ड 60% वृद्धि के साथ करीब 107 लाख टन के स्तर तक पहुंच गया है। यही नहीं, भारतीय मसालों की धाक पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट लगभग दोगुना हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नारियल के MSP में 255 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 2022 सीजन के लिए खोपरा की MSP बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे दी है। उचित औसत गुणवत्ता की मिलिंग खोपरा के लिए MSP को 2021 के 10,335 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2022 सीजन के लिए 10,590 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया, साथ ही 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सहित कई अन्य पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्र के किसानों की मदद करने के प्रयास के तहत बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखी गई। यूपी सरकार चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बोनस दे सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की योगी सरकार 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की तैयारी कर रही है। चुनाव आचार संहिता से पहले गन्ना किसानों को बोनस की घोषणा होने की उम्मीद है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया गया है जिसे जल्द ही पास कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बार फिर मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल खोल दिया है। इस पोर्टल पर गेहूं, सरसों, चना, जौ, सूरजमुखी एवं फल फूल व सब्जियों का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं। इसके आधार पर ही उन्हें MSP और भावांतर भरपाई योजना का फायदा मिल पाएगा।
इस बार नए साल की शुरुआत कोहरे के आगोश में होने की संभावना है। फिलहाल उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में ठंड का असर काफी कम हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 24 और 26 दिसंबर को दो पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है, जिसको लेकर ठंड में भी इजाफा हो सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।